एक लाश जो 7 टुकड़ों में एक जगह पे मिलती है। पुलिस आती है, उस लाश को कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद उस लाश का पोस्टमार्टम करवाती है, जांच पड़ताल करवाती है, कई दिनों की कड़ी मशक्कत करती है। 2 देशों तक ये मामला जुड़ रहा था, फिर भी जैसे तैसे करके पुलिस इस मामले को जब सॉल्व करती है और बड़ी जहन दिमागता के साथ सॉल्व करती है, तो इसके बाद जो कहानी निकल के सामने आई, जब लोगों ने उस कहानी को जाना, जब उस कहानी को सुना, तो न केवल सुनने वाले परेशान थे, हैरान थे, चौंक रहे थे, बल्कि जिस पुलिस वाले ने पूरी कहानी को सॉल्व किया वो भी कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े सदमे में था कि ऐसे लोग ऐसे तरह के क्राइम कर कैसे सकते हैं। और आसपास के सारे लोग पुलिस वालों की बड़ी तारीफ भी कर रहे थे, जिस जहन दिमागता के साथ पुलिस वालों ने इस मामले को सुलझाया था। तो आदाब नमस्कार, जय हिंद वंदे मातरम, मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। जब से ये श्रद्धा वाला मामला हुआ है, सच कहें तो जब से सुर्खियों में आया है, तब से लगभग जितने भी क्राइम निकल के सामने आ रहे हैं, जितने भी मामले मर्डर के, खासकर जो महिलाओं के प्रति हो रहा है, खासकर पत्नियों के प्रति, इन सारे मामलों में जो पैटर्न है लगभग लगभग सेम है कि लाश को बस काट देते हैं, काट के कई टुकड़ों में फेंक देते हैं। फेंकने के बाद पुलिस पहले टुकड़े जुटाती है, फिर सबूत जुटाती है, फिर मोटिव जुटाती है, फिर मामला, कई मामले जो उजागर होते हैं मामला सॉल्व हो जाता है, कई मामले ऐसे होते हैं जो उजागर नहीं होते, ठंडे बक्से में चले जाते हैं। लेकिन आज की जो कहानी है, इस कहानी में पुलिस ने जिस तरीके से काम किया था, अगर पुलिस चाहती थी इस मामले को बड़े आराम से दबा देती, इस मामले में कोई पूछने वाला नहीं था कि क्या हुआ, ना ही जिसका मर्डर हुआ उसे कोई जानने वाला था, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने जिस तरीके से कड़ी मेहनत की, अपने आप में ऐसी मिसाल शायद बहुत कम मिलती है। तो सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 के जून महीने से। दरअसल जून महीने में दिल्ली में जगह लगती है सरिता विहार, और वहीं पे एक टैंक है, ओखला टैंक। दरअसल 23-24 तारीख की ये बात है, जब इसी टैंक के पास एक बॉक्स पड़ा हुआ सुबह सुबह लोगों को दिखाई देता है। बॉक्स बड़ा अजीब सा था, अजीब सी बॉक्स से बदबू आ रही थी, आसपास के जो राहगीर थे उस बॉक्स से बचा के चल रहे थे, लेकिन लोकल जो दुकानदार थे, जिनकी वहाँ पे दुकानें लगी हुई थी, चाहे मोबाइल की थी, चाहे चाय कॉफ़ी की थी, चाहे किराना स्टोर थे, उस बॉक्स से इस कदर दुर्गंध आ रही थी कि उन दुकानदारों को एक तरह से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे सूरज चढ़ता गया, समय गुजरता जा रहा था, उस बॉक्स की बदबू भी समय के साथ तेज होती जा रही थी। शुरुआत में दुकानदारों ने बर्दाश्त किया, इग्नोर किया, उन्हें लगा शायद अभी कूड़ा वाला आएगा, बॉक्स लेके जाएगा। लेकिन जब समय बढ़ता चला गया, 9:30 का वक्त हो गया, और जो बदबू थी वो नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, तो दुकानदार सारे लोग इकट्ठा होते, इकट्ठा होने के बाद आपस में बड़े कौतूहल के साथ बातचीत करते हैं, कहा कि इस बॉक्स में ऐसा है क्या, पता नहीं हाथ लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, शायद कोई जानवर मरा है या फिर क्या हो सकता है। अब इन्हीं सारे सवालों के साथ तभी मौके पे किसी ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आती है। आने के बाद उस बॉक्स को जब खोलती है, तो खोलने के बाद अंदर से जो चीज निकल के सामने आई वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली, बेहद सबके रोंगटे खड़े करने वाली थी। दरअसल जब पुलिस वाले उस बॉक्स को खोलते हैं, तो उस बॉक्स के अंदर एक लड़की के 7 टुकड़ों में कटी हुई लाश मिलती है। लाश के हाथ अलग कटे हुए थे, पैर अलग कटा हुआ था, गर्दन अलग कटी हुई थी, लाश देखने में कई दिन पुरानी थी, लाश की साथ न कोई सामान था न कोई और चीज थी। पुलिस वाले, आसपास के लोग जब इस लाश को देखते हैं तो देखने के बाद थोड़ा सा चौंकते हैं, लेकिन अब पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी थी। पुलिस वाले इस लाश को कब्जे में लेते हैं, और सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर कोई नॉर्मल लड़की की लाश मिले तो उसकी फोटो क्लिक करके आसपास के इलाकों में भेज सकते थे पूछताछ के लिए, छानबीन के लिए, लेकिन एक लड़की जिसके 7 टुकड़ों में लाश आई हो, एक बॉक्स में लाश मिली हो, उसकी तस्वीर या फिर कोई ऐसी चीज पुलिस वाले खींचे कैसे, क्योंकि बॉडी लगभग छत बिछत थी, चेहरा जो था वो भी लगभग छत बिछत था, तो ऐसी लाश की पहचान पुलिस वाले कराएं कैसे, कैसे तस्वीरें वायरल करें। अब जैसे तैसे करके पुलिस वाले इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, और आसपास के सारे इलाकों में जितनी भी मिसिंग कंप्लेन थी उन सारी चीज़ों को खंगालने लगते हैं। पुलिस को एकमात्र जो सहारा लग रहा था कि अगर आसपास के इलाकों में किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेन कुछ दिनों पहले अगर दर्ज हुई हो, तो उनके घर वालों को बुलाएंगे, कपड़े वगैरह दिखा के जैसे तैसे पहचान कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुलिस वाले जब इस बारे में आसपास के थानों में पूछताछ करते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं, तो पुलिस को पता चलता है कि आसपास के किसी भी इलाके में ऐसी कोई लड़की गुमशुदा नहीं हुई है।
ना ही कोई कंप्लेन दर्ज कराई गई, ना ही किसी की लड़की गायब है। अब ये बात जब पुलिस वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद अब पुलिस वालों के पास दो ऑप्शन थे, या तो ऐसी लाश जिसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है, और अमूमन ऐसे कई मामले भी पेंडिंग पड़े हैं, तो पुलिस वाले अगर चाहते तो इस मामले को छोड़ देते, लाश को लावारिस छोड़ के उसका अंतिम संस्कार उसके धर्म के हिसाब से करवा देते और मामला जो था उसे दबा देते और किसी दूसरे मामले पे अपना फोकस करते। लेकिन पुलिस वालों ने इस रास्ते को नहीं चुना। पुलिस वालों ने सोचा कि इस लाश को किसने काटा, इस तरह से कैसे काटा, अगर इसके बारे में हम छानबीन नहीं करेंगे, पता नहीं लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल है उनको एक तरह से सही मिलेगी। पुलिस वाले अब सारी छानबीन छोड़ के ये लाश किसकी थी इसके बारे में जुट जाते हैं, क्योंकि अमूमन जो पुलिस के पकड़ने का पैटर्न होता है बड़ा सिंपल सा है कि सबसे पहले विक्टिम कौन है ये पता किया जाए, उसके बाद मोटिव पता किया जाए, तभी जाके क्रिमिनल तक पहुंचा जा सकता है। तो अब पुलिस वाले विक्टिम की तलाश में, यानी ये लाश किसकी है, ये लड़की कौन है, इसकी तलाश में जगह जगह इसके कपड़ों की तस्वीरें, इसके हुलिये को स्केच बनवा के और चेहरे की फ़ोटो को आसपास के इलाकों में जगह जगह थानों में चस्पा करवाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजते हैं। भेजने के बाद इंतज़ार करते हैं कि शायद कहीं से कोई फ़ोन आए, कोई पहचानने वाला मिले। लेकिन सारी उम्मीद, पुलिस की जो भी उम्मीद थी कि शायद कोई फ़ोन करेगा, कोई पहचान करेगा, इन सारी उम्मीदों पे समय के साथ अब पानी फिरता जा रहा था। 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, ना ही कहीं से कोई गुमशुदगी की तलाश आई, ना ही कहीं से कोई ऐसी मिसिंग कंप्लेन मिली, ना ही कोई इस लड़की को पहचानने वाला था। पुलिस वाले फिर हैरान परेशान कि मामले की हम जांच भी कर रहे हैं, ना ही कोई इसमें साथ दे रहा है, ना ही किसी के घर की कोई लड़की गायब हुई है, तो आखिर ये लाश है किसकी। पुलिस वाले जगह जगह पूछताछ करते हैं आसपास के इलाकों में, खासकर जहाँ पे वो लाश मिली थी वहाँ के सारी जगहों को खंगालते हैं, सबसे पूछताछ करते हैं कि किसी ने किसी को आते हुए देखा, किसी को जाते हुए देखा। लेकिन हर जगह से जो पुलिस वाले थे उनको हर जगह से सिर्फ और सिर्फ निराशा मिल रही थी। और अमूमन मैंने कई बार अपने वीडियो में कहा है कि जब पुलिस वालों को निराशा हाथ लगती है और पुलिस वाले इस बात से चिढ़ते हैं तो सारे काम छोड़ के उस मामले को और ज़्यादा जोर देते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पुलिस का ये नेचर होता है कि चिढ़ने के बाद उस मामले के तय तक जरूर जाते हैं। और इस कहानी में सेम ऐसा ही था। जब पुलिस वाले देखते हैं कि कोई भी कहीं से भी कुछ सुराग नहीं मिल रहा, ना ही कोई कुछ बता रहा है कि ये लाश किसकी है, कहाँ से गायब हुई है, तो पुलिस वाले चिढ़ते हैं और चिढ़ने के बाद इस जिद पे आ जाते हैं कि अब इसके कातिल को तो पकड़ के रहेंगे। और इसी क्रम में अब फिर से सारी चीज़ों को रिवर्स करके जाँच करते हैं, यानी शुरुआत उसी बक्से से करते हैं, उस बॉक्स से करते हैं जिसमें लाश मिली थी। बॉक्स को फिर से चेक किया जाता है, बारीकी से उस बॉक्स की छानबीन की जाती है। उसी बीच जब छानबीन चल रही थी, सारी चीज़ें चल रही थी, तो उसी बीच एक पुलिस वाले की नज़र उस बॉक्स पे लिखे एक अक्षर पे पड़ती है, और उस अक्षर पे, उस बॉक्स पे एक शब्द लिखा था। अब उस शब्द को पुलिस वाले पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये जो अक्षर है ये किसी आदमी की तरफ इंडिकेट कर रहा है, या फिर किसी कंपनी की तरफ। अब पुलिस वाले पूरे अपने जो भी इनके एक्सपर्ट्स थे उनको लगाते हैं, पता करते हैं कि इस अक्षर से आसपास के इलाकों में कितनी कंपनियां हैं, कितने लोग हैं, या फिर कितनी ऐसी संस्थाएं चल रही हैं, सबके बारे में पता करो। सारे एक्सपर्ट छानबीन करते हैं और छानबीन में पता चलता है कि जो अक्षर लिखा हुआ है, जो नाम लिखा हुआ है, ये नाम एक कोरियर कंपनी का है और ये कोरियर कंपनी गुड़गांव में है। अब गुड़गांव जहाँ से ये लाश मिली थी लगभग वहाँ से 40 किलोमीटर दूर। पुलिस वाले फौरन गुड़गांव जाते हैं, उस कोरियर कंपनी में जाते हैं, उस बॉक्स की तस्वीर दिखाते हैं। और पुलिस वालों की किस्मत इस कदर अच्छी कि जैसे ही तस्वीर दिखाते हैं तैसे ही उस कंपनी में काम करने वाला एक आदमी इस बॉक्स को पहचानता है। पहचानने के बाद कहता है कि साहब इस बॉक्स को तो हमारे ही कंपनी से ऑर्डर किया गया। पुलिस वाले जब ये शब्द सुनते हैं, ये शब्द पुलिस वालों के कानों में जब पड़ता है तो एक तरह से पुलिस वाले राहत की सांस लेते हैं कि चलो एक कड़ी जो सबसे मेन थी ये कड़ी अब सुधर गई। और पुलिस वालों को लग रहा था कि बस इस बॉक्स के मालिक तक पहुंचना है, कातिल वही होगा, उससे पूछताछ करेंगे, वो शायद इस लड़की का कोई रिश्तेदार लगेगा, उसके बाद सारा मामला खुल जाएगा। पुलिस वाले बेहद गर्मजोशी के साथ उस कुरियर कंपनी से जब पूछते हैं कि अच्छा ये ऑर्डर किसने किया था, कौन है, उसकी डिटेल बताओ, तो कंपनी वाला जब कहता है और जब बताता है ऑर्डर करने वाले की डिटेल को सामने रखता है, तो पुलिस वाले फिर से हैरान परेशान, क्योंकि जो ऑर्डर करने वाला था वो दरअसल दुबई का रहने वाला था, यूनाइटेड स्टेट अमीरात का, अरब कंट्री का, और उसने ऑर्डर दुबई से ही किया था। पुलिस वाले
जब दुबई का नाम सुनते हैं तो एक बार फिर सब पकाते हैं कि अगर ये आदमी दुबई में हुआ तो हमारी पहुंच से तो ये दूर है और इससे हम कभी ना पूछताछ कर सकते हैं ना इससे कभी बातचीत कर सकते हैं, और अगर ये जान जाएगा तो पुलिस वाले इसके पीछे पड़े हैं तो शायद इंडिया आएगा ही नहीं। अब पुलिस वाले फिर भी जैसे तैसे करके कहते हैं कि अच्छा चलो आदमी दुबई का है तो उसने डिलीवरी कहाँ ली थी, ऑर्डर किस पते पे किया था यही बता दो। तो पूछताछ में जब ये सारी चीज़ें कंपनी से पुलिस वाले पूछते हैं तो कंपनी बताती है कि इसने ऑर्डर अलीगढ़ यानी जिस जगह पर ये लाश मिली थी वहाँ से लगभग 135 किलोमीटर दूर वहाँ के एक पते पर किया था। पुलिस वाले वो पता नोट करते हैं, पता नोट करने के बाद पुलिस वालों की एक टीम बस एक कंफर्मेशन के लिए कि जिसके नाम पे ऑर्डर है नाम जावेद अख्तर था, जावेद हिंदुस्तान में है या फिर दुबई में है, ये बस यही कंफर्म करने के लिए अपनी टीम लेके जाते हैं। और जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलते हैं तो दरवाज़ा खोलने के बाद सामने बस जावेद मिलता है। अब जावेद सामने था, पुलिस वाले उससे उसका नाम पूछते हैं, कहते हैं जावेद से मिलना है। आदमी कहता है साहब मैं ही जावेद हूँ, बताइए क्या हुआ। अब ये शब्द सुनने के बाद पुलिस वाले एक बार फिर राहत की सांस लेते हैं कि चलो जावेद मिल गया, बस ये मामला कबूल देगा। लेकिन पुलिस वाले इस बार फिर गलत होने वाले थे। जैसे ही जावेद से पूछा जाता है कि तुमने वहाँ से एक बॉक्स ऑर्डर किया तो जावेद कहता है कि हाँ साहब मैंने किया तो था, दरअसल मुझे कुछ सामान लेना था, सामान लेने के लिए मुझे एक कुरियर कंपनी चाहिए थी और कुरियर कंपनी मुझे वही मिली इंटरनेट पर, तो मैंने वहाँ से बॉक्स ऑर्डर कर दिया। पुलिस वालों को लगता है कि चलो ठीक है इस आदमी ने बॉक्स पहचान लिया तो शायद लड़की के बारे में बताएगा। अब पुलिस वाले उस लाश के बारे में उस लड़की के बारे में जब जावेद से पूछताछ करते हैं तो जावेद कहता है कि साहब मैं तो किसी लड़की को नहीं जानता हूँ, मैं तो बस कुछ दिनों पहले ही आया हूँ। अब पुलिस वालों को लगता है कि शायद जावेद झूठ बोल रहा है, पुलिस वाले फिर आसपास के इलाकों में पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि जावेद का तो आसपास के इलाकों में बड़ा अच्छा नाम है, कोई भी इसे क्रिमिनल नहीं समझ सकता, ना ही आसपास के या फिर इसके रिलेशन की कोई लड़की गायब है जो उस एज ग्रुप से मैच करती हो। पुलिस वाले फिर हैरान परेशान कि जो बॉक्स था इस जावेद के नाम पर, लाश इसी जावेद के बक्से में मिली है, जावेद का उस लड़की से कोई संबंध नहीं, तो आखिर मर्डर किया किसने। फिर जब जावेद से पुलिस वाले पूछते हैं कि तुम्हारा वो बॉक्स वहाँ पहुँचा कैसे, तुम अलीगढ़ के रहने वाले तुम्हारा जो बॉक्स है वो दिल्ली पहुँच चुका है उसमें एक लाश मिली है, तो जावेद थोड़ी देर तक दिमाग पे जोर देता है और दिमाग पे जोर देने के बाद कहता है कि साहब ऐसा ही एक बक्सा जहाँ पे मेरा दिल्ली में घर है शाहीन बाग के पास जामिया नगर में, वहाँ पे मेरा एक घर है और वहाँ पे एक बॉक्स मैंने खुद रखा था। पुलिस वाले पूछते हैं कि चलो बताओ वहाँ पे रहता कौन है, तुम्हारा शायद कोई संबंधी रहता, उसने कत्ल किया। तो फिर जावेद कहता है कि साहब मेरा कोई संबंधी तो नहीं रहता, मैंने उस घर को किराए पे चढ़ाया हुआ है और एक किराएदार शायद वहाँ पे रहता है, और अगर बॉक्स के बारे में कुछ बता सकता है तो शायद वो बता सकता हो। पुलिस वाले फिर वहाँ से दिल्ली आते हैं, शाहीन बाग जाते हैं जो कि लगभग जहाँ से लाश मिली थी 6-7 किलोमीटर की दूरी पे था। वहाँ पे जाते हैं, घर का बेल बजाते हैं तो पता चलता है कि अंदर तो कोई है ही नहीं। पुलिस वाले फिर चौंकते हैं, चौंकने के बाद फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं कि जो रहता था वो कहाँ है, तो पता चलता है कि जो रहने वाला था वो तो यहाँ से घर छोड़ के जा चुका है, नाम साजिद अली और अपनी पत्नी के साथ रहता था और कुछ दिनों पहले वो चला गया। पुलिस वाले अब इस साजिद अली के नंबर को आसपास के लोगों से लेते हैं और लेने के बाद जब सर्विलांस पर लगाते हैं इसकी लोकेशन को खंगालते हैं तो इसकी लोकेशन मिलती है। पुलिस वाले वहाँ जाते हैं और साजिद अली को वहाँ से उठा लाते हैं और उठाने के बाद जब फिर से पूछताछ साजिद अली से करते हैं तो साजिद अली भी फिर सेम वैसे ही मिलता जुलता जवाब जावेद जैसा देता है कि साहब इस बक्से से मुझे कोई मतलब नहीं, वो बॉक्स तो मेरे मालिक यानी जो मेरे मकान मालिक थे उन्होंने ला के रखा था, अब उनसे किसने लेके गया क्या हुआ मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। पुलिस वाले फिर चौंकते हैं कि ये जो कहानी है सुलझने के बजाय उलझती चली जा रही है, हमें लग रहा था कि शायद कोरियर ऑफिस से मामला सुलझ जाएगा लेकिन कोरियर से ये संबंध UAE तक गया, UAE से अलीगढ़ गया, अलीगढ़ से फिर दिल्ली पहुंचा, दिल्ली इसका जो किराएदार है पहचाने से इनकार कर रहा है। बहरहाल पुलिस के पास इस आदमी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं था, पुलिस वहां से लौटने लगती है। लेकिन इसी बीच जो गांव वालों से या फिर आसपास के लोगों से बातचीत हुई थी जो इस किराएदार के बारे में पूछताछ हुई थी उस बारे में एक गाँव वाले ने आसपास के लोगों ने बताया था कि जो साजिद अली है जो किराएदार है वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। अब ये बात से पूछते हैं पुलिस वाले उससे कि चलो ठीक है तुम नहीं जानते लेकिन तुम्हारी पत्नी कहाँ है, क्योंकि जो एज ग्रुप आसपास के लोगों ने बताया था जो सारी डिटेल बताई थी कहीं ना कहीं उस लड़की से मैच कर रही थी। पुलिस वालों की शक की सुई कहीं ना कहीं अब इस पर अटकती है क्योंकि पूछताछ करके लौटते टाइम देखते हैं कि उसकी पत्नी गायब है,
तो पुलिस वाले फिर पत्नी के बारे में जब पूछताछ करते हैं तो साजिद अली कहीं ना कहीं हकलाता है, और जब साजिद अली हकलाता है ये बात पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, और पुलिस वाले जब इससे सख्ती से पूछताछ करते हैं तो जो कहानी इसने कबूली वो कहानी अपने आप में बेहद खौफनाक थी। दरअसल साजिद अली बताता है कि साल 2011 में जब वो कुरुक्षेत्र में रह के पढ़ाई कर रहा था, एक राजबाला जो कि बिहार की रहने वाली थी उस लड़की से इसे प्यार होता है, वो लड़की भी इससे प्यार करती है और दोनों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ता है। लेकिन फिर वही श्रद्धा वाली कहानी जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको शुरू में दिया कि राजबाला हिंदू थी, साजिद अली मुसलमान था, इस वजह से राजबाला के घर वाली शादी से इनकार करते हैं, लेकिन राजबाला के सर पे साजिद अली के प्यार का भूत सवार था, वो अपने घर वालों के खिलाफ जाके साजिद अली से शादी करती है। शादी होने के बाद दोनों दिल्ली शिफ्ट होते हैं और इसी जगह रहने लगते हैं। लेकिन इसी बीच जब समय धीरे धीरे बढ़ता गया, 2011-12 में इनकी शादी हुई थी, 2018 तक आ जाता है समय, इन दोनों के दो बच्चे भी होते हैं। हालांकि जो साजिद अली था इसने IIT कानपुर से पढ़ाई की थी, बीटेक की, इस वजह से शायद राजबाला को भी उम्मीद थी कि शायद ये नौकरी करेगा, नौकरी करके कुछ अच्छी जगह प्लेस हो जाएगा। लेकिन अमूमन चाहे IIT हो, चाहे NIT हो, चाहे KIT यूनिवर्सिटी हो, हर जगह हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, कुछ लोग प्लेसमेंट पाते हैं, कुछ लोग नहीं पाते हैं। और जो साजिद अली था इसे भी कोई कंपनी सिलेक्ट नहीं करती, इसका प्लेसमेंट नहीं होता, इस वजह से ये बेरोजगार हो जाता है। और राजबाला जिसका नाम इसने बदल के जूही रखा था, इसके जब दो बेटे होते हैं, दो बच्चे होते हैं, तो दोनों बच्चे जब धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, उनकी परवरिश में जब खर्चा लग रहा था और साजिद अली कुछ कमा नहीं रहा था, तो इस बात को लेकर बार बार जूही और साजिद अली इन दोनों में तकरार अब होने लगी। जूही कहती है कि कुछ कमाओ, कुछ पैसे कमाओ, घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, तुम IIT से पढ़ के भी ऐसे बैठे हो। लेकिन साजिद अली कहीं कुछ काम करना नहीं चाह रहा था, कहीं उसे काम सही से मिल भी नहीं रहा था। समय धीरे धीरे जब बढ़ता गया और दोनों की तकरार बढ़ती गई तो अमूमन अब दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। साजिद अली को लगा कि जिस लड़की को मैं शादी करके लाई अब तो मेरे गले की हड्डी बन चुकी है, अब इस लड़की को रास्ते से हटा देना चाहिए। साजिद अली अब इसको मारने का प्लान बनाने लगा, और इसी प्लान के तहत 20 तारीख की रात को जब फिर से जूही इसके ऊपर चिल्लाती और कहती तुम नौकरी क्यों नहीं करते, इसी बात को लेकर दोनों कहा सुनी होती है, तो इसी बीच ये साजिद अली जूही को बिस्तर पे गिराता है। गिराने के बाद उसका गला तब तक दबाता है जब तक जूही की मौत नहीं हो जाती। ताव ताव में इसने जूही को मार तो दिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही था कि अब लाश का किया क्या जाए। इसके पास वही श्रद्धा वाला फिर से एक एडवांटेज था कि अगर घर वाले नहीं फ़ोन कर रहे हैं तो आदमी के पास अमूमन कई दिन का टाइम मिल जाता है, और जूही के माँ बाप को भी इसी तरह नाराज़गी थी, जूही से कांटेक्ट नहीं करते थे, और इसके पास जूही को पहचानने वाला कोई था नहीं, तो ये आराम से लाश को उसी कमरे में छोड़ता है जिस कमरे में इसके दोनों बच्चे हैं, उनको वहीं छोड़ता है। छोड़ने के बाद अपने भाई को इश्तियाक और हसरत को फ़ोन करता है, दोनों को घर बुलाता है, बुलाने के बाद बाकायदा सारी चीज़ बताता है और कहता है कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया और अब इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। अब ये तीनों भाई पूरी रात उस लाश को ठिकाने लगाने के बारे में बैठ के बड़े आराम से सोचते हैं, पूरी रात सोचते हैं। सुबह बच्चे उठते हैं, बच्चों को सजा धजा के जैसे तैसे करके नाश्ता वगैरह दे के स्कूल भेजते हैं, बच्चे पूछते हैं कि माँ कहाँ गई, तो बोलते हैं कि माँ मार्केट गई है। इसके बाद अब ये तीनों मार्केट जाते हैं, बड़े बड़े चाकू खरीद के लाते हैं, और सबसे पहले इसने जो कुछ पढ़ा था उन सारी चीज़ को इसने इस्तेमाल किया। जूही की लाश को बाथरूम में लेके जाते हैं, बाथरूम में ले जाने के बाद हाथ की दोनों नसों को उसी बाथरूम में जहाँ पे पानी गिरता है उस जगह पे नाली के पास नसों को काट के हाथ को रख दिया और बाहर निकल आई ये तीनों, क्योंकि इनका प्लान था कि जब हम लाश को ठिकाने लगाएं तो शरीर के सारे खून, एक एक कतरा जो खून का है वो बह जाए ताकि कहीं खून का निशान ना मिले और हम फंसे ना। घंटों तक उस लाश से खून बहता है, बहने के बाद जब सारा खून निकल जाता है ये बॉडी को अलग अलग एंगल पर रोटेट करते हैं ताकि शरीर का एक एक कतरा बह जाए। सारा खून जब निकल जाता है तो उसके बाद फिर ये जो पास में बॉक्स पड़ा था उस पर नज़र डालते हैं, डालने के बाद उस बॉक्स को अंदर लाते हैं, पॉलीथीन लाते हैं, लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, लगभग 7 टुकड़ों में काटते हैं और उस बॉक्स में अलग अलग पार्टीशन बना के 7 टुकड़ों को पैक करते हैं। वहाँ से अपनी कार में इस बॉक्स को रात में फिर 21 तारीख को लेके निकलते हैं और इसे ओखला टैंक के पास एक कूड़ेदान के पास फेंक देते हैं।
लेकिन लाश चूंकि एक दिन पुरानी थी और जून में प्रचंड गर्मी पड़ती, खासकर दिल्ली जैसी जगहों पे, इस वजह से लाश से बदबू आई। आसपास के लोगों ने लाश को देखा, पुलिस वालों को फोन किया और ये पूरा मामला निकल के सामने आया। तो इस कहानी में जो सारी चीज़ें हैं वो तो बिल्कुल श्रद्धा जैसी हैं, लेकिन जो काम करने का तरीका है पुलिस वालों का, एक तरफ श्रद्धा वाले मामले में जब पुलिस वालों के पास एक बार FIR हुई थी, पुलिस वाले इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन इस मामले में ना इस लाश को कोई पूछने वाला था, ना इस लाश को कोई पहचानने वाला था, और पुलिस अगर इस मामले को संज्ञान में नहीं लेती तो शायद किसी को कोई मतलब नहीं था कि जो ही मर गई या बच गई या फिर क्या हुआ। लेकिन पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी को इस मुस्तैदी के साथ निभाया, शायद ऐसी मिसाल हमारे देश में बहुत कम मिलती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और आज मुँह में थोड़ी सी दिक्कत है इसलिए कहानी थोड़ा सा बेतरतीब तरीके से मैंने सुना है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो बस वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आप डेली अगर सुनना चाहते तो डेली सुनिए। बस मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार ऐसे मिलता रहे। तो अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।